नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद चौधरी, स्वागत है आपका सक्सेस स्टेप में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम जो हिस्ट्री की सीरीज चली हुई है हमारी, तो हिस्ट्री में हम सीरीज वाइज चले हुए, लेकिन आज जो टॉपिक है, आज मैं कार्ल मार्क्स को लेकर चल रहा हूँ। कार्ल मार्क्स व्यू ओवर ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द इंडियन सोसाइटी, यानी कार्ल मार्क्स ने भारत में जो उस टाइम का जो हमारा सामाजिक ढांचा था या जो ब्रिटिश रूल हो रखा था हम पर, तो ब्रिटिशों के ऊपर जो उस टाइम पर उन्होंने कुछ लेख प्रकाशित किए थे, तो आज हम उनका अध्ययन करने वाले हैं। आज ये देखने वाले हैं कि उस सीरीज में उनका जो विचार थे वो किस तरह से थे, जो भारतीय साम्राज्यवाद जो भारत ब्रिटेन के कब्जे में था उसको लेकर, या फिर जो भारतीय सोसाइटी थी वो, या फिर 1857 के जो रिवोल्ट के बाद में उनके जो विचार थे वो क्या थे, आज हम ये देखने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले इतना ही, अगर आपके पास कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो हमें कमेंट करके बताएं। आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं, मेरी फेसबुक आईडी है govind.atri.338। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम। तो आज की वीडियो को हम तीन सीरीज में बांट कर देखने वाले हैं। कार्ल मार्क्स जो हमारी पहली सीरीज है वो है कार्ल मार्क्स ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी जो कार्ल मार्क्स के जो भारत में ब्रिटेन के शासन को लेकर जो विचार थे, ब्रिटिश रूल को लेकर जो विचार थे भारत के ऊपर, पहली सीरीज में उसको देखने वाले हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो भारत है वो भारत एशिया में इटली के समान है, जिस तरह यूरोप में इटली है उसी तरह भारत एशिया में इटली के ही समान है। अब ये कैसे है, उन्होंने कहा था जो हिमालय है उसको आप आल्पस पर्वत मान लीजिए, जो आल्पस पर्वत है इटली का उसको आप हिमालय मान लीजिए, और जो भारत के जो बंगाल का जो मैदान है उसको आप लंबार्डी का मैदान मान लीजिए, यहाँ पर होकर वो मैदान पड़ता है। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि जो दक्कन है भारत का, यानी जो साउथ इंडिया है उसको आप एम्पेनीज मानो, और जो सिसली द्वीप है, देखो एम्पेनीज को उन्होंने कहा था ये भारत का दक्कन मान लीजिए इसे, और जो सिसली द्वीप है भारत में, जो श्रीलंका जैसे श्रीलंका है भारत के दक्षिण में, उसको आप सिसली द्वीप मान लीजिए। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो इटली है वो जिस तरह से यूरोप में इटली है उसी तरह से भारत हिंदुस्तान एशिया में है, यानी कि जो बंगाल के मैदान है वो लोम्बार्डी के मैदान, जो हिमालय पर्वत है उसको आल्पस पर्वत मान लीजिए, और जो दक्कन है उसको एम्पेनीज, और जो सिसली है, जो सिसली द्वीप है उसको आप श्रीलंका मान लीजिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कंपेयर किया था भारत और इटली का, कि जिस तरह से इटली में राजनीतिक विविधता है और जिस तरह से यहाँ पर जो भूमि है, इटली की जो भूमि है उसका जो उपजाऊपन है वो विभिन्न प्रकार का है, उसी तरह से भारत में भी जो उसकी भूमि का उपजाऊपन है वो भी विभिन्न प्रकार का है, और राजनीतिक जो विभिन्नता है भारत में वो भी इटली के ही समान है। तो इस वजह से जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने हिंदुस्तान की तुलना एशिया में यूरोप में इटली से की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और चीज में हिंदुस्तान की तुलना की थी, उन्होंने कहा था कि येट इन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू हिंदुस्तान इज नॉट इटली बट द आइलैंड ऑफ ईस्ट, यानी कि अगर हम सोशल व्यू से देखें तो हिंदुस्तान इटली के समान नहीं है। हाँ, डेमोग्राफिक रूप से भारत हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान है वो इटली के समान है, लेकिन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भारत है वो जिस तरह से ईस्ट में आयरलैंड है उसी तरह से सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान आयरलैंड के समान है। और इस प्रकार उन्होंने कहा था कि जो हिंदुस्तान है वो इटली तथा आयरलैंड का विचित्र सम्मिश्रण है, एक ऐसा मिश्रण जिसमें एक और तो विचार शक्ति है, यानी जो यहाँ के लोग हैं हिंदुस्तान के, उनका कर्मों से यानी कर्म फल से दूर जाना, यानी कर्म फल की चिंता नहीं करना, विषयों से दूर जाना विचार शक्ति है, और दूसरी ओर शारीरिक यातना जो हिंदुस्तान के धर्मों में स्पष्ट विद्यमान है, यानी जिस तरह से हिंदुस्तान में इन चीजों का मिश्रण है उसी तरह से इटली और आयरलैंड के विभिन्न सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मिश्रण भी हिंदुस्तान में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ये कहा था कार्ल मार्क्स। तो ये देख लीजिए, ये है आयरलैंड, जो कि वैसे तो फिलहाल जो आयरलैंड है वो इंग्लैंड के ही उसमें आता है, जो ग्रेट ब्रिटेन ऑफ इंग्लैंड है, जो ग्रेट ब्रिटेन है उसी में आयरलैंड को शामिल किया जाता है, ये आयरलैंड द्वीप पड़ता है, ये इंग्लैंड है, यहाँ पर होकर स्कॉटलैंड, इधर होकर स्कॉटलैंड वगैरह पड़ते हैं, इसमें वेल्स है, तो इसमें ये शामिल है इंग्लैंड में, ये ध्यान रखना आप, ये यहाँ बाल्टिक सी वगैरह। तो ये यूरोप, यूरोप में जिस तरह से उन्होंने सोशल व्यू से हमारी तुलना की थी आयरलैंड से कार्ल मार्क्स से, ध्यान रखना, और डेमोग्राफिक रूप से की थी इटली से तुलना। अब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि देयर कैन नॉट हाउएवर रिमेन एनी डाउट डेट ए मेजरी इन्फ्लेक्टेड बाय द ब्रिटिश ऑन हिंदुस्तान इज ऑफ एजेंटली डिफरेंट एंड इन्फ्लेक्टली मोर इंटेंसिव काइंड डेट ऑल हिंदुस्तान हैड टू सफर बिफोर, यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि जो भारत की दुर्दशा अंग्रेजों ने की है,
यानी जो हिंदुस्तान है उसकी जो दुर्दशा अंग्रेजों ने की है वह निश्चय ही ना केवल भिन्न है अब तो उस दुर्दशा से भी अत्यधिक बुरी है जो कि भारत की अब से पहले कभी हुई थी। यानी कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो भारत फिलहाल जिस कंडीशन में है, जिस पीड़ा से भारत गुजर रहा है, वो पीड़ा भारत की ब्रिटिश ने की है, और ये पीड़ा भारत की इतनी ज्यादा जो कंडीशन इतनी खराब हुई है, ये इतनी खराब कंडीशन भारत की फिलहाल हो गई है कि आज से पहले कभी भारत की इतनी खराब कंडीशन नहीं हुई। यहाँ भले ही जो कास्ट है उनके बीच में जातिवाद है, धर्मों को लेकर आपस में मतभेद वगैरह रहे, लेकिन इतनी कभी भी इतने धर्म, इतनी जाति पाति, इन सब चीजों में बटे रहने के बाद भी भारत की कभी भी ये हालत नहीं हुई थी जो ब्रिटिश ने अब कर दिया है। द वर्किंग ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज द सफिशिएंट टू लिटरली रिपीट व्हाट सर स्टैमफोर्ड रैफल्स टू इंग्लिश गवर्नर ऑफ जावा सेड टू द ओल्ड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो भारत में ब्रिटिश इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं वह कोई ब्रिटेन की विशेषता नहीं है, यानी जो ब्रिटेन का साम्राज्यवाद है यह उसकी विशेषता नहीं है, यह तो डच लोगों का वो अनुसरण कर रहे हैं, यानी जो डच हैं उन्हीं का जो ब्रिटिश है वो अनुसरण कर रहे हैं, ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डच लोगों का अनुसरण कर रही है। और इसके विषय में सर स्टेफन रैफल्स, यानी स्टेफन रैफल्स जो कि इंग्लिश गवर्नर थे जावा के, उन्होंने कहा था, मतलब उन्होंने खुद यही कहा था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में जो कहा है वही अब फिलहाल हम ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के विषय में कह सकते हैं कि जैसे डच लोग हैं वो अपने यहाँ पर अपने जो जहाँ उनका साम्राज्यवाद है वो जैसे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, वैसे ही फिलहाल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं वह भारत में जाकर जो लोग हैं, जो भूमिगत किसान हैं, उनको प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं, उन पर अत्याचार करने में लगे हुए हैं, और यह इंग्लैंड की विशेषता नहीं है, यह तो डच लोगों का वो लोग अनुसरण कर रहे हैं। देखिए सर स्टेफन रैफल्स ने कहा था जो कि डच कंपनी के गवर्नर थे जावा में कि जो डच कंपनी है वो केवल लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ही प्रेरित है, यानी उसे केवल उसका एक ही उद्देश्य है, उसकी एक ही स्पिरिट है कि जितना ज्यादा हो सके गेन किया जाए, खुद को जितना ज्यादा हो सके अपनी संपत्ति को गेन करो और लाभ प्राप्त करो। जो डच कंपनी थी वो जहां पर वो जो इनके कब्जे में थे डच लोगों के, वो उन लोगों पर इतनी ज्यादा क्रूरता से व्यवहार करते थे कि इतनी क्रूरता से तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वहां पर जो उनके बगीचों में काम करने वाले कामगार थे उनसे भी नहीं करते थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नुमाइंदों से, अपने कामगारों से, दासों से जितनी ज्यादा क्रूरता से व्यवहार करती थी वो तो डच कंपनी के आगे कुछ भी नहीं था। यानी डच कंपनी इतनी ज्यादा क्रूरता से अत्याचार करती थी, उसका तो केवल केवल उनके अंदर नाम मात्र को भी कोई भी मतलब दया भावना डच कंपनी के नुमाइंदों के अंतर्गत नहीं थी, वो केवल लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य थे। हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी भी लाभ प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन जो डच कंपनी थी वो बिल्कुल भी दया भाव नहीं दिखाती थी, वो बहुत ज्यादा क्रूरता बरतती थी अपने लोगों से, ऐसा खुद वहां के जो गवर्नर थे उन्होंने कहा था। देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि द इंग्लैंड हैज ब्रोकन डाउन द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी जो इंग्लिश है उन्होंने भारत का जो अब तक की सोसाइटी थी उसका जो ढांचा था उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। यानी इंग्लैंड ने तो भारत के संपूर्ण ढांचे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है तथा उसके पुनर्निर्माण की भी, यानी उसके रिकॉन्स्टिट्यूशन की भी अभी कोई भी संभावना नहीं दिखाई देती है, और इसके प्राचीन रूप का तो नाश हो ही गया है। यानी दिस लॉज ऑफ ए ओल्ड वर्ल्ड विद नो गेन ऑफ ए न्यू वन, यानी जो भारत है उसने अपनी प्राचीन सभ्यता को तो नष्ट कर ही दिया है, अपने प्राचीन संसार को तो नष्ट कर ही दिया है, लेकिन उसको नवीन भी कुछ नहीं मिला है। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारत का इस तरह से नाश किया है, जो भारतीय ढांचा है उसको इस तरह से तहस नहस किया है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि इससे पहले क्या होता था कि भारत में विभिन्न राजे महाराजे आते थे लेकिन वो यहीं के होकर रह जाते थे, यहीं के लोगों में बसकर रह जाते जो थे, जो लाभ प्राप्त करते थे यहीं के लोगों के लिए लगाते थे तो यहाँ का विकास होता था। लेकिन अब क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमसे जो भारतीय हैं उनसे समृद्ध है, हर क्षेत्र में भारतीयों से आगे है, सांस्कृतिक रूप से भी और आधुनिक रूप से भी, आधुनिकता में भी वो यहाँ से आगे है, तो उसने यहाँ का जो ढांचा है उसको पूरी तरह से तहस नहस तो कर दिया लेकिन दिया कुछ भी नहीं है। इससे क्या हुआ है कि भारत का जो पुराना ढांचा है वो तो खत्म हो गया लेकिन नया भारत को कुछ भी नहीं मिला। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो भारतीय समाज है वह ऐसा समाज था कि जिसमें सबसे निकृष्ट वर्ग भी, यानी जो सबसे गरीब वर्ग है, जो सबसे नीचा वर्ग है, वह जो लगभग नंगा ही रहता है, उस पर जो कपड़े भी पहनने को नहीं है, वह भी कानों में बालिए सोने के सोने मतलब बालियां पहनता था जो कि सोने की होती थी, और गले में सोने का कंठा पहनता था, हाथ और पांव में उंगलियों में भी सोने और अंगूठी, सोने की अंगूठी अथवा छल्ले होते थे,
स्त्रियों तथा जो बच्चे होते थे वो भी सोने अथवा चांदी के भारी भारी कंगन और नूपुर पहनते थे। उनके घरों में जो देवी देवता थी, जो भारतीयों के घरों में जो देवी देवता थे, वो भी उन पर जो मूर्ति थी वो भी सोने की होती थी, या फिर उन पर जो आभूषण होते थे वो भी सोने के होते थे। तो ऐसा भारतीय जो गरीब समाज था कि वो इन आभूषणों से, यानी उसके पास सोने की कोई कमी नहीं थी, यानी भारत का जो सबसे निम्न वर्ग भी ब्रिटिश के भारत में आने से पहले इस कंडीशन में था कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े भले ही नहीं हो, लेकिन उसके पास आभूषणों की या फिर सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। उसका पूरा के पूरे सामाजिक रूप से वो इनमें लदा बसा हुआ था। हर क्षेत्र में जो हाउस होल्ड थे, जो महिलाएं थी, जो बच्चियां थी, जो पुरुष थे, उनके पास रिंग थी, उनके मतलब जो उंगलियों में छल्ले वगैरह, ये सारी चीज, गलों में, कानों में बालियां वगैरह और गले में ये सारी चीजें वो पहन के रखते थे। और ये हाल थी भारत के सबसे निम्न वर्ग की। लेकिन जब इंग्लिश भारत में आए तो उससे क्या हुआ कि इट वॉज द ब्रिटिश इंट्रूडर हु ब्रोक अप द इंडियन हैंडलूम एंड डिस्ट्रॉयड द स्पिनिंग व्हील। इंग्लैंड बिगेन विद डिप्राइविंग द इंडियन कॉटन्स फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट। इट देन इंट्रोड्यूस ट्विस्ट इनटू हिंदुस्तान एंड इन द एंड इन्यूडेटेड द वेरी मदर कंट्री ऑफ कॉटन विद कॉटन। यानी कि यह अंग्रेज घुसपैठिया ही था जिसने भारतीय हथकरघे जो कि हाथ से बुनाई करते थे वो, और चरखे को तोड़ दिया। इंग्लैंड ने पहले यूरोप की मंडियों से भारतीय कपड़े को निकाला और फिर बटा हुआ धागा भारत में लाए, और फिर सूती कपड़े के देश में ही मानो सूती कपड़े की बाढ़ सी आ गई। यानी इंग्लैंड ने क्या किया कि पहले तो भारत के जो हथकरघे थे, यानी जो बुनकर थे, उनको समाप्त कर दिया पूरी तरह से, उनको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। फिर यहाँ से सूती माल को, यानी जो कपास थी वो, उसको इंग्लैंड लेके गए कच्चे माल को, फिर वहां से बुना हुआ कपड़ा भारत में लाए, और एक सूती देश की जो इसको मदर कंट्री कहा जाता था, जिसको कॉटन की मदर कंट्री कहा जाता था, उसी में अब उन्होंने सूती कपड़े की बाढ़ सिला कर रख दी थी बुने बुनाए की। तो यहाँ का जो समाज था उसकी जो सामाजिक संरचना थी उसको पूरी तरह से इंग्लैंड ने तहस नहस कर दिया था। फ्रॉम 1818 टू 1836 एक्सपोर्ट ऑफ ट्विस्ट फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन टू इंडिया रोज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1 to 5,200। इन 1824 द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम्स टू इंडिया हार्डली देखियो 18 से लेकर 1836 के बीच में इस बटे हुए धागे की भारत में जो निर्यात था वो 5200 गुना बढ़ गया। यानी 1818 से लेकर 1836 तक जो बुना हुआ जो कपड़ा आता था या धागा आता था उसका भारत में निर्यात 5200 गुना बढ़ गया। यानी इंग्लैंड से भारत में जो निर्यात था, भारत को जो निर्यात किया जाता था वो 5200 गुना बढ़ गया। और 1824 में भारत को भेजी गई मलमल जो कठिनता से लगभग 10 लाख गज ही थी वो 1837 में 6,40,00,000 हो गई 1824 से लेकर 1837 में। यानी मात्र 13 साल के अंतर्गत उसमें इतना अंतर आ गया कि 1824 में जो मलमल 10 लाख गज भारत भेजी गई थी वो 1837 में 6,40,00,000 हो गई। और उसी समय जो ढाका की जनसंख्या थी, यानी जो बांग्लादेश की फिलहाल राजस्थानी ढाका, उस टाइम पर वो भारत का हिस्सा था ढाका, तो उसकी जो राजधानी उसकी जो जनसंख्या थी वो 1,50,000 से घटकर मात्र 20,000 रह गई ढाका की जनसंख्या। यानी ये आइडिया लगाओ कि कितना ज्यादा अंग्रेजों ने यहाँ पर उत्पीड़न किया था। देखिए इंग्लिश कंपनी ने क्या किया कि भारत में जो नरसंहार वो करते थे उसको, भारत में जिस तरह से धार्मिक रीति रिवाज बंधे हुए थे उसी तरह से उन्होंने जो नरसंहार था, जो इंग्लिश कंपनी थी, उन्होंने उसको भारत में एक धार्मिक रीति रिवाज की तरह बना के रख दिया यहाँ पर जो नरसंहार था, और उसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। यानी जो वो नरसंहार करते थे उसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता था, और जो दिशा विहीन ही नहीं अब तो विनाश की ओर ले जाने वाला था भारतीय समाज को। यानी ये कंडीशन लाकर रख दी इंग्लिश कंपनी ने भारत में। लेकिन क्वेश्चन यह नहीं, क्वेश्चन यह है कि यह ठीक ही है कि इंग्लैंड भारत में एक सामाजिक क्रांति ला रहा है, परंतु यह तुच्छतम मानवता से प्रेरित है। यानी जो इंग्लैंड भारत में जो सामाजिक क्रांति ला रहा है, जो सोशल रिवोल्यूशन भारत में ला रहा है इंग्लैंड, वो काफी ज्यादा गिरी हुई मानवता से प्रेरित है और मूर्खतापूर्ण रूप से लाई जा रही है भारत में। ये कहा था कार्ल मार्क्स ने कि जो इंग्लैंड भारत में एक सामाजिक क्रांति ला रहा है परंतु यह तुच्छतम मानवता से प्रेरित है, अत्यंत मूर्खतापूर्ण रूप से लाई जा रही है। प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि जब तक कि एशिया के समाज में मूलभूत परिवर्तन ना लाए जाएं, क्या मनुष्य अपनी नियति को प्राप्त कर सकता है? अगर यह नहीं तो जो भी अपराध इंग्लैंड ने किए हों वह इतिहास के हाथों में अनजान में प्राय क्रांति लाने के लिए एक हथियार के रूप में ही है। यानी जो एशिया का समाज है वो अपने आप में इतना जकड़ा हुआ है, एशिया का समाज इतना जकड़ा हुआ है कि एक बिना क्रांति लाए, बिना
उसको हटाया, उसके जो सामाजिक ढांचा है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसमें आधुनिकता उस सामाजिक ढांचे को, जो पुराना सामाजिक ढांचा है उसको तोड़े बिना ला ही नहीं जा सकती। तो इंग्लैंड को यह उन्होंने श्रेय भी दिया था कि हाँ भले ही अनजाने में लाए थे, लेकिन यहाँ पर यह क्रांति लाई, जो उनके ये अत्याचार थे या उनकी जो मूर्खतापूर्ण नीति थी, ये बाद में जाकर एशिया में सामाजिक क्रांति ही लाई, लेकिन इनका तरीका सही नहीं था, ऐसा कहना था कार्ल मार्क्स का। तो अब देखते हैं कार्ल मार्क्स ऑन द इंडियन रिवोल्ट, यानी जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके ऊपर कार्ल मार्क्स के क्या विचार हैं, अब एक बार ये देख लेते हैं। तो देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि फ्रांस में जब क्रांति आई थी तो फ्रांस की जो क्रांति थी वो वहां के जो किसान थे उनके द्वारा लाई गई थी, यानी जो फ्रांस की क्रांति थी वो वहां के जो किसान थे उनके द्वारा लाई गई थी। लेकिन भारत में उल्टा हुआ कि जो भारत में जो रिवोल्ट हुआ वो किसानों के द्वारा नहीं लाया गया था, वो लाया गया था यहाँ के सिपाहियों के द्वारा, यानी वही सिपाही जो इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे उन्हीं के द्वारा ये विद्रोह की भावना जागृत हुई और उन्होंने ही विद्रोह को चिंगारी दी। तो फ्रांस में जो हुआ था उसका उल्टा हुआ भारत में, ऐसा कहना था कार्ल मार्क्स का। और एक ऑफिसर जो उस टाइम पर पेशावर में थे, एन ऑफिसर राइटिंग फ्रॉम पेशावर, एक ऑफिसर थे वो उस टाइम पर पेशावर में थे, और उन्होंने लिखा था, जो ऑफिसर थे उन्होंने लिखा था कि सैनिक थे उनको निरस्त कर दिया गया, उनके जो हथियार वगैरह थे वो ले लिए गए और उनके कोट और बूट भी उतरवा लिए गए जो सैनिक थे, और उनको 12 पेंस प्रति व्यक्ति देकर, केवल 12 पेंस हर व्यक्ति को देकर, और नावों में बैठाकर एक सिंध नदी में बहा दिया गया। सोचा यह गया था कि ये तीव्र गति से बहने वाली नदी में डूब जाएंगे, लेकिन बाद में वो बच गए थे। तो उनमें से जो एक अधिकारी था उन्होंने ऐसा इसके बारे में विवरण दिया था कि ऐसे ऐसे फिर सैनिकों पर अत्याचार किए गए थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा। समाचार तो खैर यहाँ तक भी आए थे कि जैसे भारत में विवाह के टाइम पर एक सामान्य रीति रिवाज है कि आतिशबाजी की जाती है, काफी प्राचीन है, तो जब विद्रोह हो रखा था तो उस टाइम पर ऐसे ही कुछ पेशावर में ही कुछ रात में छोटे छोटे विवाह के टाइम पर एक आतिशबाजी वगैरह की गई थी, तो ब्रिटिश सेना ने वहां पर आतिशबाजी करने वालों को ही मौत के घाट उतार दिया, ये समझकर या ये सोचा कि ये जो विद्रोही हैं उनको सपोर्ट करने वाले हैं या उनको कोई ऐसा संदेशा वगैरह दे रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स बताते हैं कि जो सैनिक न्यायालय थे वह तो घोड़ों पर बैठे बैठे ही घटित हो जाते थे, यानी जो सैनिक न्यायालय थे वो घोड़ों पर बैठे बैठे ही घटित हो जाते थे, और प्रत्येक काले आदमी को, यानी कार्ल मार्क्स से एक सैनिक ने कहा था तो उन्होंने लिखा है कि वो प्रत्येक काले आदमी को जो उन्हें मिलता था या तो फांसी दे देते थे या फिर गोली मार देते थे। वी होल्ड कोर्ट मार्टिस ऑन हॉर्सबैक एंड एवरी नैगर वी मीट विद द आइदर स्ट्रिंग अप और सूट, यानी या तो हम उसे फांसी दे देते हैं या उसे हम गोली मार देते हैं। और बनारस में सूचना मिली कि 30 जमींदारों को केवल इसलिए फांसी दे दी गई क्योंकि उन पर केवल संदेह था कि उन्होंने अपने देशवासियों से सहानुभूति रखी है, यानी उनकी बस केवल सिंपैथी है अपनी कंट्री के लोगों के साथ में। इस संदेह के आधार पर ही बनारस में 30 जमींदारों को फांसी दे दी गई। तो आप समझ सकते हो कि जो 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए जो ब्रिटिश थे उन्होंने कितनी बर्बरता पूर्वक जो यहाँ पर नीतियां लागू की थी, उन्होंने कितने बर्बरता पूर्वक इस जो विद्रोह था इसको दबाया था। तो इसके बाद में देखते हैं कार्ल मार्क्स ऑन फ्यूचर रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में अंग्रेजी राज्य से होने वाले भविष्य में परिणाम। तो देखिए, जो मुगलों की शक्ति को तो उनके जो वायसराय थे उन्होंने छेड़ किया, यानी जो ग्रेट जो मुगल थे उनको उनके वायसरायों ने उनकी शक्ति को छेड़ कर दिया। अब जो उनके वायसराय थे उनकी शक्ति को मराठा लोगों ने तोड़ दिया, जो मराठे थे उनकी शक्ति को अफगानों ने तोड़ दिया, और यह सब जब सब आपस में ऐसा युद्ध वगैरह करने में लगे हुए थे, ये तीनों आपस में जब युद्ध कर रहे थे, वायसराय, मराठे और अफगान, तो इसी समय अंग्रेज आ गए बीच में और उन्होंने उन सबको पराजित कर दिया, और जो सारे के सारा जो क्षेत्र था उस पर वो कब्जा करने में जो ब्रिटिश थे उन्होंने इन तीनों को लड़ाई का फायदा उठाया और सारे क्षेत्र पर ब्रिटिश लोगों ने अधिकार कर लिया। ए कंट्री नॉट ओनली डिवाइडेड बिटवीन मोमडन एंड हिंदू बट बिटवीन ट्राइब्स एंड ट्राइब एंड ट्राइब बिटवीन कास्ट एंड कास्ट, यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक ऐसा समाज जिसका ढांचा एक ऐसे संतुलन पर टिका है जो विभिन्न वर्गों के आपसी निकर्षण तथा निषिद्धता पर आधारित, ऐसा देश और ऐसा समाज क्या नियते से ही विजय होने योग्य नहीं है? क्या मतलब एक समाज जो अपने आप में इतनी बुरी तरह से बटा हुआ है, हिंदुओं में, मुस्लिमों में, आदिवासियों में,
और जो जाति हैं वो आपस में फिर जातियों में बटी हुई हैं। क्या ऐसा समाज आपको नहीं लगता, ये सच्चाई कही थी कार्ल मार्क्स ने असलियत में, कि एक ऐसा समाज जिसमें बिल्कुल एकता की कोई भावना ही नहीं है उस टाइम पर, इतना बटा हुआ है, उसके लिए तो कोई एक थोड़ी सी पावरफुल शक्ति आ जाए जो उनसे थोड़ी सी समृद्ध हो, वो आकर आसानी से उन पर कब्जा कर सकती है। अब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो भारतीय हैं, देखिए पहला तो ये देख लीजिए कि उस टाइम पर कैसे कंडीशन थी, जो जातिवादी या अनटचेबिलिटी थी, जो कास्ट सिस्टम था भारत में वो कैसे था, कि ये देखिए कोई महाशय है आराम से पालकी में बैठकर जा रहे हैं, और ये उस टाइम के या तो शोषित या तो ये गरीब लोग हैं या फिर दलित लोग हैं ये, जिनके द्वारा इनको पालकी में सैर कराई जा रही है। तो इस मानसिकता के लोग जब इस टाइम देश में निवास करते, तो क्या वो देश एक हो सकता है, क्या उसमें एकता की भावना आ सकती है, क्या उसको कोई बाहर का आके नहीं, बिल्कुल। अब अगर ऐसा होगा तो सिंपल सी बात है कि जो दबे कुचले लोग हैं तो वो इस शोषण से मुक्त होना चाहेंगे, उनको कोई भी विदेशी शासन, पहले में विदेशी क्या, उनके लिए कोई भी शासन जो होगा, जब उन्हें लगेगा इसे छुटकारा दिला सकता है तो वो उसकी तरफ जाएंगे। और हुआ भी यही था, स्टार्टिंग में कोई इसका विरोध नहीं हुआ था। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था जब ऐसा ही देश हो, क्या वो बिल्कुल वो कब्जा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, उस पर कैसे किसी का राज्य नहीं होगा, वो कब तक विजित नहीं हो सकता। और इसलिए उन्होंने कहा था कि यह निर्वादित सत्य नहीं है क्या, भारतीयों की जो गठित सेना थी उसने ही इंग्लिश के सहयोग से मिलकर, जो इंग्लैंड थे उन्होंने भारतीय सेना से ही भारतीयों को विजय किया था, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। यानी जो इंग्लिश थे उन्होंने भारतीय सेना का यूज किया और फिर भारत को भारतीय सेना के द्वारा ही विजय किया, तो ऐसा देश कैसे नियते में विजय होने योग्य नहीं था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो इंग्लैंड था, अब उसको भारत में दो यानी डबल मिशन पूरा करना था, दो मिशन पूरे करने थे। जो उनका पहला मिशन था, पहला तो ये करना था कि जो भारत में जो प्राचीन समाज था उसको, एक तो उनको विनाशक की भूमिका निभानी थी, यानी डिस्ट्रक्टिव की भूमिका निभानी थी, कि पूरे के पूरे तरह से उस समाज को, जो पुराना समाज है उसको खत्म किया जाए। और जो दूसरी भूमिका थी उनकी वो थी रीजनरेटिंग की, यानी कि फिर पुनरुद्धार की भूमिका निभानी थी, यानी एशियाई समाज को समाप्त करना, जो प्राचीन समाज था उसको समाप्त करना, और फिर भारत में पश्चिमी सभ्यता की स्थापना करना। ये था इंग्लैंड का डबल मिशन, अब कार्ल मार्क्स के अनुसार उस टाइम पर। देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो कुलीन वर्ग है वो तो भारत को जीतना चाहता है, वो तो चाहता है भारत को जीतना, लेकिन जो संपत्तिवान यानी जिनके पास धनाढ्य वर्ग है, जिनके पास संपत्ति ज्यादा है, वो भारत को लूटना चाहता है। यानी कुलीन वर्ग भारत को शासन करना जीतना चाहता है और धनाढ्य लोग इसको लूटना चाहते हैं, और उद्योगपति जो है यहाँ के वो यहाँ पर अपना माल बेचना चाहते हैं। परंतु अब पासा पलट गया, उद्योगपतियों ने यह जान लिया कि अब भारत को कच्चे माल का उत्पादक बनाना है। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में, 1757 प्लासी और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद में जो उद्योगपति थे उन्होंने सोच लिया कि यहाँ पर माल बेचना नहीं, अब भारत को कच्चे माल का उत्पादक बनाना है, और उसके लिए उन्होंने जो सिंचाई और आंतरिक संचार की सुविधा देना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर कच्चे माल का उत्पादन करना है तो सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, संचार की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो कच्चे माल अगर उत्पादन हो रहा है भारत के किसी भीतरी हिस्से में, तो उसको फिर जो तटीय इलाका है वहां तक आसानी से पहुंचाया जा सके। मान के चलो अगर उत्तर प्रदेश में कपास का उत्पादन हो रहा है, अगर उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, अब ये बांग्ला जो यहाँ पर जो बंगाल की तटीय सीमा जहाँ समुद्र है, या तो यहाँ पर या फिर ये केरल, अब यहां तक के लाने के लिए भी तो संचार की व्यवस्था चाहिए ना। यहाँ से अगर संचार की व्यवस्था बढ़िया होगी तभी माल आसानी से यहाँ पर पहुंचाया जा सकता है बिना किसी नफा नुकसान के, क्योंकि उस टाइम पर डकैत वगैरह और ये सारी चीज थी ये बहुत ज्यादा थी। तो इस वजह से संचार की व्यवस्था भी अच्छी होनी जरूरी है, और सबसे प्रथम सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छी होनी जरूरी है, तभी ये फसल अच्छी होगी। तो ये धनाढ्य वर्ग ने सोचा। तो अब उनकी यह योजना है कि समस्त भारत में रेलों का तो जाल बिछा दिया जाए, पूरे भारत को जो रेलों से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि जो संचार की सुविधा है वो सही हो जाए, और अगर कभी सैनिक विरोध वगैरह भी होते हैं तब आसानी से सैनिक वगैरह भी पहुंचाए जा सके, तो रेलों का जाल बिछा दिया जाए। जो कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा था कि ये काम होगा तो धीरे धीरे, यानी ये जो काम है ये बिल्कुल धीरे धीरे होगा, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे यह कोई नहीं जान। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ठीक है आप रेलों के जाल बिछा दो, लेकिन इसके जो परिणाम क्या होंगे यह आप अपने हिसाब से आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे उस देश में भी काफी, उस देश के जो मूल निवासी हैं उनकी जिंदगी में भी काफी चेंज आएंगे। जब इंग्लैंड के जो धनाढ्य वर्ग था यानी जो उद्योगपति थे उन्होंने जब दबाव बनाया तो फिर रेल वगैरह बिछाई गई थी यहाँ पर, जाल रेल की पटरी वगैरह काफी बड़ी मात्रा में काम चला था। तो पहला तो आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में प्रथम रेल बम्बई से ठाणे तक चली, लेकिन किस तारीख को और किस सन में चली थी ये जो प्रथम रेल थी भारत में ये।
तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यदि आप एक देश में जहाँ लोहा और कोयला मिलता है वहां पर अगर आप जो लोकोमोशन की पद्धति है यानी आने जाने की जो संचार व्यवस्था है वो आरंभ कर देते हैं, तो आप उस देश के जो निवासी हैं उसको इनका उपयोग करने से या फिर अन्य लोगों को माल बेचने से नहीं रोक सकते। आप एक विशाल देश में लोगों विशाल देश में रेलों का जाल बिछाकर वहां औद्योगिक प्रक्रिया को नहीं रोक सकते। रेलवे पद्धति के तत्कालीन तथा चालू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि इसमें वह मशीनरी भी बनेगी जो रेलवे से जुड़ी है। तो इस प्रकार भारत में क्या होगा कि आधुनिक धंधे उद्योग धंधे हैं वो भी स्थापित हो जाएंगे। तो कार्ल मार्क्स का कहना यही था कि अगर आप भारत में मान के चलो रेल व्यवस्था बना देते हो, आप रेलों का जाल बिछा देते हो, तो पहला तो यहाँ के लोगों को भी रेल का उपयोग करने से आप नहीं रोक सकते, वो भी इसका उपयोग करेंगे। उनमें भी जब संचार व्यवस्था बना दोगे तो वो लोग भी जो भारत एक गांव का देश है, वो भारत के गांव जो कि आपस में सिमटे हुए हैं उनका पूरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। जो भारत ये कहा था कार्ल मार्क्स ने कि जो भारत के गांव है उनको केवल अदर किसी जगह से केवल नमक और लोहे को लेकर उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। भारत के गांव आपस में एक संसार है और वो अपने आप में सिमटे हुए हैं, उनको केवल लोहे और नमक के लिए बाहर से आने जाने या व्यापार की जरूरत होती थी। तो ऐसे गांव के लोग जब संचार की व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी तो वो निकलेंगे तो लोगों में एकता की भावना भी जगेगी। अब दूसरा, अगर आप संचार व्यवस्था कर रहे हो, रेल बना रहे हो, तो यहाँ पर आप मशीनरी या उद्योग धंधे भी स्थापित करोगे। जब उद्योग धंधे स्थापित करोगे तो फिर यहाँ के लोगों को आप रोजगार से भी नहीं रोक सकते। फिर जब रोजगार वगैरह बनाओगे तो फिर भारत के लोग भी खुद उद्योग धंधे स्थापित करेंगे आने वाले समय में। तो एक देश में जब आप जहाँ पर कोयला और लोहा तो है ही है और यहाँ पर आप ये सारे काम करते हो, तो उस देश की तरक्की को आने वाले समय में आप कंट्रोल करके नहीं रख सकते। ऐसा कार्ल मार्क्स ने 1953-54 में ही कह दिया था। तो ये देख सकते हैं कि जब उद्योग धंधे वगैरह विकसित किए जा रहे हैं तो तटीय क्षेत्रों में, जो भारत बिल्कुल तटीय क्षेत्र में कोई जोर नहीं दिया जाता था, यहाँ पर जब कंपनी वगैरह स्थापित की तो यहाँ पर उद्योग धंधे भी फिर उन्होंने स्थापित किए थे। तो इससे हमारे लोगों को रोजगार भी मिला, दूसरी संस्कृति को जानने का अवसर भी मिला। और इससे रेल से क्या हुआ कि एक और चीज रेल के संचार से हुई, एक तो लोगों का गंतव्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक बढ़ गया, संचार व्यवस्था बढ़ गई, लोगों का आना जाना एक दूसरे से संपर्क बढ़ गया। लेकिन भारत जो जातिवाद में बटा हुआ था, रेल ने क्या किया कि अब आप रेल में जा रहे हैं, कोई दूसरे गांव का व्यक्ति भी रेल में बैठा है। पहले यह होता था कि सामने वाले जाति को देखकर बैठते थे, आप ऊंची जाति वालों के सामने नीची जाति वाले लोग बैठ नहीं सकते थे। लेकिन रेल के विकास ने क्या कर दिया कि अब वो टिकट ले रहे हैं, वो बराबरी के हकदार हैं, अगर उनको सीट मिली है तो आप उनको नहीं उठा सकते। तो ये इस चीज में भी, इस मानसिकता में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया धीरे धीरे। ये एक दिन में ये चीजें चेंज नहीं होती, समय लगता है, बहुत समय लगता है। तो इस वजह से धीरे धीरे इस मानसिकता में परिवर्तन हो गया और इसका असर था हमने आने वाले समय में भी देखा। और उद्योग धंधे भी विकसित करने जो भारतीय थे उन्होंने इंग्लिश को देखकर भी खुद भी उद्योग धंधे स्थापित किए, इसका असर भी हमने आने वाले समय में फिर देखा। तो भारतीयों के विषय में एक राजकुमार थे साल्टिकोव, प्रिंस साल्टिकोव, उन्होंने कहा था, ध्यान रखना नाम उनका, प्रिंस साल्टिकोव। तो इन्होंने कहा था कि जो भारतीय हैं वो इटालियनों से अच्छे हैं, यानी जो भारतीय हैं वो इटालियनों से काफी, जो इटली के लोग हैं उनसे काफी ज्यादा अच्छे हैं। जो भारतीय हैं वो अधिक चतुर हैं और आलसी होते हुए भी, ये बोला कि जो भारतीय हैं वो आलसी होते हुए भी उन्हें अपनी वीरता से जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनको आश्चर्य में डाल दिया, इतने वीर हैं भारतीय लोग। जिनका देश हमारी भाषाओं व धर्मों का स्रोत है, वहां के जाटों की प्राचीन जर्मनों से, जो यानी जो प्रिंस साल्टिकोव थे उन्होंने जो जाट थे उनकी तो जर्मन जो थे एंशियंट ग्रीक थे उनसे तुलना की, जो एंशियंट जर्मन थे उनकी तुलना की जाटों से, और जो एंशियंट ग्रीक थे यानी उनकी तुलना की ब्राह्मण से, यानी जो जाट थे उनकी प्राचीन जर्मनों से, और जो ब्राह्मण है उनकी प्राचीन यवनों से, यानी जो ग्रीक है, क्योंकि इनको काफी चतुर और समझदार माना जाता था तो इनकी तुलना ब्राह्मणों से की, और जो जर्मन जाति है ये काफी बहादुर जाति मानी जाती है, तो इस वजह से जो जाटों की तुलना है वो जर्मन से की, यानी जो जाट है वो प्राचीन जर्मनों के समान है और जो ब्राह्मण है वो प्राचीन ग्रीक लोगों के समान है। तो प्रिंस साल्टिकोव ने ये खुद कहा था कि भारतीय अधिक अच्छे हैं इटालियनों से, वो ज्यादा चतुर हैं, बहादुर हैं, और उनकी जो समझने वगैरह की क्षमता है वो भी काफी ज्यादा है, और इस चीज ने हमको आश्चर्य में डाला है। तो उम्मीद करता हूं जो कार्ल मार्क्स के विचार हैं जो उन्होंने व्यक्त किए थे विभिन्न स्रोतों से अपने, ये आपके समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल,
और थोड़ा शेयर भी करें दोस्तों के साथ में। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि शुरुआत है। देखो इसमें थोड़ी सपोर्ट की भी जरूरत है। आप जितना ज्यादा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी ये रहेगा कि हाँ हम सही दिशा में कंटिन्यू कर रहे हैं चीजों को। और इसमें अगर आपके पास कोई सजेशन या कोई भी फीडबैक है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं, मेरी फेसबुक आईडी है govind.atri.338 और मेरा ट्विटर अकाउंट है govindc14179। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।